दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में ड्रग्स को लेकर हो रहे खुलासे में बॉलीवुड के बड़े हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं। दीपिका पादुकोण से लेकर श्रद्धा कपूर से लेकर और सारा अली खान तक ड्रग्स मामले में इन अभिनेत्रियों का नाम आ चुका है। इन मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बॉलीवुड की एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी अपना गुस्सा निकाला है। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि दोषी को सजा मिले। रवीना ने लिखा है, अब सफाई का समय आ गया है, स्वागत है, हमारे आने वाले जनरेशन की मदद करेंगे, यहाँ से शुरू करें, इसके बाद दूसरे क्षेत्रों की तरफ बढ़ें, जड़ से उखाड़ फेंकें, दोषी यूजर्स डीलर्स सप्लायर्स को सजा दें, फ़ायदा उठा रहे बड़े लोगों को निशाने पर जो हैं, जो दूसरों की तरफ देखते भी नहीं, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। रवीना का ये पोस्ट ना किसी के सपोर्ट में है और ना ही किसी के विरोध में। उन्होंने न्यूट्रल साइड लेते हुए उजागर हो रहे मामलों पर अपना पक्ष रखा है। गौरतलब है कि ड्रग्स मामले को लेकर इन दिनों बॉलीवुड चर्चा में है। फिल्म इंडस्ट्री के कई नाम सामने आने के बाद लोग बॉलीवुड के सभी लोगों को शक की नज़र से देख रहे हैं। हालांकि जया बच्चन, तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा, मनोज बाजपेयी समेत कई सितारों ने ड्रग्स मुद्दे का विरोध करते हुए कहा कि सभी ड्रग्स नहीं लेते हैं। वहीं कुछ सेलिब्रिटीज़ का कहना है कि बॉलीवुड के आधे से ज़्यादा लोग नशे के आदि होते हैं। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के समय रवीना टंडन ने परिवार के साथ अपना काफ़ी समय गुजारा। अब वे वापस काम पर लौट गई हैं। उन्होंने अपने शूट फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। कोरोना काल में पूरे इतिहास के दौरान उनका वर्क मोड ऑन हो चुका है। SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।